हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं रूप टॉक। ये इतने सारे पैकिंग बैग्स देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहीं से जाके आए हैं। जी हाँ, हम लोग वापस आ गए अपने नानी के घर से। स्माइल हुआ, शाइन हुआ, आ गए अपनी मामा की शादी अटेंड करके। और वापस दिल्ली आने के बाद में बहुत सारे काम है पेंडिंग जो हमें करने हैं। एंड इसमें सबसे ज़रूरी स्माइलू का एडमिशन है स्कूल का, क्योंकि वो 3.5 ईयर्स की हो गई है। तो अभी इसका स्कूल में एडमिशन हम लोग करवाने का सोच रहे हैं। तो आज है स्माइलू के स्कूल का इंटरव्यू, सो वी हैव प्रिपेयर्ड हर वेल फॉर द केजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैंने बनाया ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में है पराठे और आलू गोभी की सब्ज़ी। जिनको पराठे पसंद है वो पराठे खाएंगे, और जिनको प्लेन पराठे नहीं पसंद वो सब्ज़ी के साथ खाएंगे। आज का ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी है क्योंकि आज हम ट्रैवलिंग करके आए हैं ओवरनाइट, प्लस हमें भूख लग रही थी। तो फिर हमने लाइट ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, हमने थोड़ा ब्रेकफास्ट हैवी ही रखा। स्माइलू अपने दादू दादी के पास है और शाइनू अपने पापा के साथ सो रही है। स्माइलू 3 साल की हो गई है, तो फिर अभी उसको ट्रैवलिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। वो एक बार के लिए जब सोती है रात को ट्रेन में, तो वो पूरी रात सोती है, उसकी बीच में उठने की प्रॉब्लम नहीं होती। बट शाइनू अभी 8 मंथ्स की है, तो फिर वो पूरी रात ऐसे जग रही थी और सो रही थी, तो बीच बीच में उसकी नींद काफ़ी बार टूटी है। तो अभी वो आराम से अपनी साउंड स्लीप कर रही है, तब तक मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। बट बीच में मैं याद से उसको एक फीड दूंगी, क्योंकि उसको हर 1 या 1.5 घंटे में हम मिल्क फीड देते हैं, अदरवाइज़ तो वो उठ के रोने लग जाती है। जनरली वो 10 से 11 बजे के बीच में उठ जाती है, बट आज उसका रूटीन थोड़ा बदला हुआ है, तो लेट्स सी कब उठती है। अभी बज रहे मॉर्निंग के 8। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा नाश्ता कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे बन गए मेरे पराठे और आलू गोभी की सब्ज़ी। एंड उसके बाद में मैं गई हस्बैंड के पास उनको उठाने। अभी तक सो रहे थे वो, क्योंकि उनकी भी नींद अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई। वो कभी भी ट्रेन में ट्रैवलिंग के टाइम कभी भी नहीं सोते हैं, क्योंकि उनको बच्चों की टेंशन रहती है। थोड़ी देर बाद शाइनू भी उठ गई, और उठते ही इसकी फर्स्ट एक्टिविटी होती है अपने खिलौनों के साथ खेलना, और वो भी अपनी दादी के पास। तो वो सुबह सुबह उठ के अपनी दादी के पास चली जाती है और अपने ऐसे खिलौने भी खेल लेती है, और उनके साथ खेलती रहती है, और अराउंड 1/2 आवर के लिए अच्छे से खेल लेती है। उसके बाद में बोर हो जाती है। यहाँ पे स्माइलू जिद कर रही थी कि अभी उसको सोना है, क्योंकि वो थोड़ा थक गई थी खेल के, क्योंकि आके बिल्कुल नहीं सोई वो। बट मैंने उसको बोला नहीं, अभी नहीं सो सकते हैं, थोड़ी देर बाद स्कूल जाना है हमें। और उसको काफ़ी देर मैंने मनाया, उसको मैंने रेडी किया, उसके बाद ये मान गई कि चलो मम्मा खिलौना दिला देना। और न्यू स्कूल के नाम से वो थोड़ा एक्साइटेड भी थी, तो उसने कहा चलो ठीक है मम्मा जल्दी से मुझे रेडी कर दो। फिर मैंने स्माइलू को रेडी कर दिया और हम जा रहे हैं अभी उसके स्कूल के लिए। तो यहाँ पे ये रही स्माइलू, और ये भाग रही है फटाफट अपने स्कूल के लिए। एंड स्कूल हमने ज़्यादा दूर नहीं रखा है, अराउंड 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर ही है उसका स्कूल। तो हम पहुँच गए उसके स्कूल, और ये उसकी बाहर से बिल्डिंग, और हम यहाँ पर एंटर करने जा रहे थे। और स्कूल के अंदर एंटर होते ही स्माइलू तो इतना ज़्यादा खुश हो रही थी कि वो हर जगह जा जा के देख रही थी कि मेरा न्यू स्कूल कैसा होगा। तो उसने सबसे पहले इधर उधर जाके घूमना शुरू कर दिया और देखना शुरू कर दिया कि क्या क्या है मेरे न्यू स्कूल में। एंड देन उसकी नज़र पड़ी किड्स प्ले एरिया में, तो उसने ज़िद करनी शुरू कर दी कि मुझे वहाँ जाना है, उसके अंदर एंटर कराओ। तो फिर हमने उसको बोला कि पहले हम इंटरव्यू देंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि तुम्हारे खेलने के लिए वहाँ पर क्या क्या है। और फिर मेरा ये स्वीट सा बेबी मान गया, और फिर उसका इंटरव्यू हो गया अच्छे से। स्माइलू बहुत खुश थी अपना इंटरव्यू देख के, एंड हर टीचर वाज आल्सो इम्प्रेस्ड। उसके बाद में हम लोगों ने बाकी के एरियाज एक्सप्लोर करने शुरू किए स्कूल में, अदर एक्टिविटी एरियाज क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे किड्स का एक्टिविटी जोन था, जिसमें स्लाइड्स एंड स्विंग्स वगैरह ये सब इन्होंने साइड में लगाए हुए थे, बट इन्होंने अभी ये लॉक कर रखा था क्योंकि अभी वेकेशंस चल रहे थे। उसके बाद हम गए स्कूल के बैक साइड में, और यहाँ पे प्लेग्राउंड्स थे जहाँ पे बास्केटबॉल के लिए एंड फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए अलग अलग ग्राउंड्स बनाए हुए थे। और यहाँ पे अलग से ऑडिटोरियम भी बनाया हुआ था जहाँ पे स्कूल के एनुअल फंक्शंस वगैरह यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। तो ओवरऑल स्कूल बहुत ही अच्छा था, और यहाँ का सारा मैनेजमेंट भी हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम रवाना हो गए घर के लिए, और घर लौटते टाइम स्माइलू को दिख गई है बटरफ्लाई। यहाँ पे स्कूल के जो प्लांट्स थे उन पे बटरफ्लाइज थी, तो स्माइलू को बटरफ्लाइज बहुत पसंद है, और वो उनको कैच करने का ट्राई करने लगी। स्माइलू वॉज लिटिल अपसेट बिकॉज उसको वहाँ पे प्ले एरिया में नहीं जाने दिया। तो हमने बोला जब तुम्हारा स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो तुम्हें वहाँ पे खेलने को मिलेगा, एंड देन शी गॉट हैप्पी। उसके बाद हम आ गए घर पे, और घर पे आने के बाद में मैंने स्माइलू को खाना खिलाया। और खाना खिलाना स्माइलू को एक बहुत बड़ा टास्क है, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है उसको खाना खिलाना। एंड इवनिंग के टाइम स्माइलू सो गई थी और शाइनू जग गई थी, और हमें लेंसकार्ट जाना था अपने स्पेक्टिकल्स बनवाने के लिए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम शाइनू को साथ में लेके जाएंगे।
क्योंकि हमारा ज़्यादा देर का काम नहीं था तो हम मैनेज कर सकते थे। तो हम लेके जा रहे हैं शाइनू को अपने साथ में, और यहाँ पे शाइनू हमारे साथ जा रहा है लेंस कार्ट। एंड उसके बाद हम पहुँच गए लेंस कार्ट, और सबसे पहले मुझे अपना आई टेस्ट करवाना था, और मेरे हस्बैंड ने अपना आई टेस्ट पहले ही करवा लिया था तो मेरा ही पेंडिंग था। तो सबसे पहले मैंने जाके करवाया अपना आई टेस्ट, एंड आईज़ को टेस्ट करवाने के बाद में हमने अपने लिए स्पैक्स चूज़ किए। इनके पास अभी एक ऑफर चल रहा था बाय वन गेट वन का, तो मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने अपने लिए स्पैक सेलेक्ट करके इनको ऑर्डर कर दिया। उसके बाद शाइनू को थोड़ी भूख लग गई और वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी, तो मैंने उसको ले लिया और उसको खिलाने का ट्राई किया। और यहाँ पे मैं उसको थोड़े ये बच्चों वाले क्यूट से चश्मे थे वो उसको लगा के देख रही थी कि वो कैसा लग रहा है। सच में बहुत क्यूट लग रही थी ये। और ये जो स्पैक्स है वो मैंने मेरे लिए डिसाइड किया लेना। फिर हम लोग आ गए घर पर, और यहाँ पर शाइनू और स्माइलू की मस्ती स्टार्ट हो गई। सो गाइज, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग देन प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर लिटिल वंस।